नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल टेक नेटवर्क्स में। मेरा नाम है राजदीप। दोस्तों, हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं कि किस तरह से जब हम लोग सर्वर इंस्टॉलेशन के बाद अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं और वहां पे हम कोई भी वेबसाइट ओपन करने की कोशिश करते हैं तो वहां पे हमें क्या होता है, एक एरर मिलता है। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे मैंने क्या किया है, गूगल ओपन करने की कोशिश की है यहां पे इंटरनेट एक्सप्लोरर में, ठीक है। और यहां पे देखो मुझे एक एरर आ रहा है, ठीक है। कंटेंट फ्रॉम द वेबसाइट लिस्टेड बिलो इज बीइंग ब्लॉक्ड बाय द इंटरनेट एक्सप्लोरर इनहैंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो ये इंटरनेट एक्सप्लोरर इनहैंस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम लोग किस तरह से डिसेबल करेंगे जिससे कि हमको ये एरर बार बार ना आए। आप लोगों ने देखा होगा, देखो यहाँ पे मैं जितनी बार इस वेबसाइट को यहाँ पे ऐड करने की कोशिश करूंगा ये अगेन मुझे एक नया पॉपअप देगा और कुछ नए वेबसाइट का लिंक होगा जो मुझे अगेन ऐड करना होगा और इस तरह से कंटिन्यू ये एरर आता रहेगा। तो इसको किस तरह से इजीली रिमूव कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या कर लेना है, अपने कंप्यूटर में हम लोग यहाँ पे सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सर्वर मैनेजर सर्च करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जैसे ही हम लोग सर्वर मैनेजर को सर्च करते हैं तो हमें यहाँ पे उसे ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे ही सर्वर मैनेजर ओपन हो जाता है लेफ्ट साइड में आपको लोकल सर्वर का एक विंडो दिख रहा होगा, आइकन दिख रहा है, इस आइकन पे क्लिक कीजिए और राइट हैंड साइड पे ये देखिए आपके पास एक ऑप्शन आ रहा है IE Enhanced Security Configuration। ये बाय डिफॉल्ट दोस्तों आपको ऑन दिख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या कर लेना है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं इसके ऊपर तो हमें पूछ रहा है कि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है आप किस किस के लिए ऑफ करना चाहते हो। तो जैसे कि मैं अभी करंटली एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट प्लस यूजर अकाउंट दोनों के लिए यहाँ पे ये सेटिंग्स ऑफ करूंगा तो मैं दोनों के लिए ऑफ कर दूंगा। चॉइस आपकी है, आप एक को इनेबल रख सकते हो, एक को डिसेबल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों जगह पे ऑफ, एडमिनिस्ट्रेटर पे भी ऑफ पे क्लिक कर दूंगा और यूजर पे भी ऑफ पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर को वापस ओपन करता हूँ। वो इजीली ओपन हो जाएगी यहाँ पे, आप हमें इस टाइप का कोई भी एरर नहीं मिलने वाला। एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने अभी गूगल ओपन किया तो इजीली हो गया, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जीमेल को ओपन करने की कोशिश करता हूँ। देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरा जीमेल का वेबसाइट ओपन हो गया है और यहाँ पे इसने मुझे कुछ नहीं पूछा है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक और वेबसाइट ट्राई करता हूँ, मैंने याहू के साथ ट्राई किया और मुझे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आया। तो इस तरह से हम लोग विंडोज सर्वर के ऊपर, चाहे आपका सर्वर 2012 हो, 2016 हो या फिर 2019 हो, अगर आपको इंटरनेट एनहांसमेंट की एरर आता है तो उसको कैसे करके हम लोग डिसेबल कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।